and find out the value of sin square a, sin square b and sin square c. और उसकी वैल्यू रखकर फिर आप देखो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपुल जैन है। मैं यहाँ 3 महीने पहले राइट डायरेक्शन अकेडमी में मैंने एडमिशन लिया है। मैथ्स मुझे पहले भी आती थी, ऐसी बात नहीं कि सबको बच्चों को थोड़ी थोड़ी मैथ्स आती है, मैंने पहले भी कोचिंग ले रखी है। लेकिन मैं जब एग्ज़ाम देने गया, मैं फुल तैयारी करके गया, जो मेरे पहले नोट्स थे, जो मैंने मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स आती थी, जो मैंने पहले कोचिंग से पढ़ी थी, तो मैं एग्ज़ाम देने गया उन सब चीज़ों को पढ़ के। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने देखा कि मुझसे क्वेश्चन बहुत कम बन पा रहे थे, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि मैंने मैथ्स पढ़ रखी है तो मैं 100% अटैम्प्ट कर दूंगा, 25 में से 25 क्वेश्चन दूंगा। लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो मुझे दिखा कि मुझसे क्वेश्चन हो तो रहे लेकिन बहुत उलझन टाइप में, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया था वो ट्रिक वाइज पढ़ाया गया था कि ये इसमें आए, कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देना, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे कर देना। लेकिन जब पेपर का प्रेशर होता है ना, तो सब चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप राइट डायरेक्शन में आए, यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको कुछ ट्रिक व्रिक ये कुछ मतलब अगड़न पगड़न कुछ बेकार नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले कोई भी क्वेश्चन है उसका बेसिक कराया जाएगा, उसके बाद उसका शॉर्टकट बताया जाएगा कि आपको अगर पेपर में कोई शॉर्टकट ध्यान नहीं रहे तो आप फटाफट बेसिक से भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मेन बात पेपर में यही होती है कि आपको प्रेशर की वजह से आप क्या करते हो, ट्रिक वगैरह सब भूल जाते हो। तो अगर आपको बेसिक आता है ना तो आपको ट्रिक भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार डेमो जरूर लेके देखें और आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दूसरे टीचर ने क्या कबाड़ा पढ़ा रखा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। गाइस, आई एम निकुंज अग्रवाल। मैंने सर के बैच के लिए 3 महीने वेट किया है। जब मुझे पता चला सर अपनी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट बैच में ही ज्वाइन किया। इसका कारण यही है कि मुझे सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा। आपको टाइप वाइज कवर होता है, टाइप वाइज का मतलब ये नहीं कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वहाँ जाके भूल जाओगे। आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ये बेसिक है। बेसिक भी बहुत अच्छा कराते हैं सर और ट्रिक्स भी बहुत अच्छी बताते हैं। अगर आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक हो जाएगा कि आपको यहाँ पर ये टाइप लगाना है, ये मैथड है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आके एक बार जरूर डेमो लीजिए और चेंज महसूस कीजिए। और ये सर की बुक्स हैं जिसमें बहुत ही अच्छा सर ने डाटा कवर किया हुआ है। दिस इज द अर्थमेटिक बुक एंड दिस वन फॉर एडवांस। इन दोनों में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छे से सर ने क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। थैंक यू। हाय, आई एम राजलक्ष्मी। I'm from Kerala. The reason why I came all the way from Kerala is because of his unique way of teaching. I don't know Hindi. He teaches in English medium also. That's the main reason why I didn't face any difficulty. His teaching is very unique. If you are joining in this academy, you can understand his unique method. I advise you to join this academy and feel the difference. Hello friends. I am ex-service man candidate preparing for SSC exam. Sir, Vikas sir is teaching here type-wise math for SSC and other exams. Before coming here, I was not aware how to do the preparation for this CGL Tier 2. But by the help of sir, now I am able to do SSC CGL Tier 2 questions also. If you want to outshine in your coming examination, you can come here and learn math without baffling yourself. Thank you. Hello, I am Asha Sharma. मैंने 3 months पहले ये batch join किया था। इस batch की ये खासियत है basic to advanced. सर basic to advanced लेकर चलते हैं और सर का genuine nature, आप कभी भी doubts पूछ सकते हैं और काफ़ी सारी facilities है। सर की books बहुत authentic है, जो कि बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बेस्ट एक्सपीरियंस है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुशांत साहू, आई एम फ्रॉम राइट डायरेक्शन एकेडमी। राइट डायरेक्शन एकेडमी में ज्वाइन करने से पहले मेरा मैथ का बेसिक लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट मैं हायर लेवल के मैथमेटिक्स इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था, जैसे कि सीजीएल के टायर 2 के क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन राइट डायरेक्शन एकेडमी ज्वाइन करने के बाद सर जिस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं, उससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं सीजीएल के टायर 2 के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अभी कर पा रहा हूँ, और वो भी किसी शॉर्टकट मेथड के वजह से नहीं,
जो प्रॉपर मेथड होता है, जो बेसिक मेथड होता है, उसके वजह से मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। तो थैंक्स टू राइट डायरेक्शन एकेडमी। हेलो गाइस, आई एम आकाश एंड मैं जब से राइट डायरेक्शन एकेडमी में आया हूँ, मैं पहले काफ़ी वीक स्टूडेंट रह चुका था, लेकिन मैं और भी अलग अलग कोचिंग संस्थानों में गया जहाँ मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, मगर जब से मैं राइट डायरेक्शन एकेडमी में आया हूँ तब से सर ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया हम बच्चों को, ताकि हम अच्छे से अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स निकाल सके और निकाल सकते हैं इसके थ्रू। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम सर हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, जब हम क्लास में भी होते हैं बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो बेझिझक हम पूछते हैं सर से, और सर उसका जवाब भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि राइट डायरेक्शन एकेडमी के अलावा मेरे लिए कोई दूसरा कोचिंग संस्थान बेहतर मुझे लगा। आप भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ से 100% ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है। मैंने सर का फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था, सर ने जब एकेडमी डाली थी यहाँ पे, मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी, सर बेसिक टू एडवांस टाइप वाइज पढ़ाते हैं, जिससे एग्ज़ाम पे आपको सडनली क्वेश्चन देख के रिमेंबर कर लोगे कि हाँ उस टाइप से है, आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और सेकेंड थिंग, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एनी टाइम सर को क्लास में बीच में रोक के भी डाउट पूछ सकते हैं, जो आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और सर एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अच्छे एक मोटिवेटर भी हैं, एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डेमो लेके ज़रूर देखें, आप बाकी जगह से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। जब मैं राइट डायरेक्शन एकेडमी में स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे, तो मेरे को इतना मैथ आता नहीं था, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता था कि मैं क्वेश्चन किया है ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे आने के बाद टाइप वाइज मैथ जिस टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया है, उस टाइम ये पता लगने लगा है कि अब इस क्वेश्चन में ये करना है सही से। लेकिन पहले क्वेश्चन हो जाते थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता था इतना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको टाइप वाइज करवाया जाता है, बेसिक लेवल से हाई लेवल एडवांस तक करवाया जाता है। Hello everyone, this is Sandhya from Right Direction Academy. I am studying here from last three or four months, and I am seeing the difference, because in my early batch I have studied maths, but I couldn't get this very well. But after learning here by the unique methods of Vikas sir, I am doing very well in maths. मैं पन्नेलाल यादव बोल रहा हूँ और राइट डायरेक्शन पढ़ता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। जब मैं राइट डायरेक्शन में आया पढ़ने, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा फील महसूस हुआ, क्योंकि हर एक दिन यहाँ पर मुझे ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई जाती है, हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस की जाती है टू द पॉइंट, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। और यह राइट डायरेक्शन के जो फैकल्टी हैं ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, हमेशा बच्चों के साथ ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और टू द पॉइंट आउट को कभी भी बच्चों को यहाँ पर नर्वस नहीं किया जाता है। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम रमदत्त है। मैं जब राइट डायरेक्शन में आया, मुझे 3 महीने हुए यहाँ, तो मैं इतना अच्छा फील करता हूँ यहाँ पे, मुझे अभी तक मैथ नहीं आती थी, सर इतना बेसिक और अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं यहाँ पे, मतलब कि सवाल भी नहीं आता, और पढ़ते वक्त भी यहाँ पे आपको बताएंगे सर, वो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी मैथ सीखनी है तो आप राइट डायरेक्शन में आइए। हेलो, मेरा नाम सागर है। मैं राइट डायरेक्शन एकेडमी में 3 महीने पहले आया था। मैथ उस टाइम मुझे थोड़ा बहुत आता था, मतलब आता ही नहीं था इस मामले में मान लो आप। लेकिन जब मैं सर से मिला, सर ने मुझसे कही थी कि हम टाइप वाइज मैथ कराएंगे, कंप्लीट मैथ्स कराएंगे। उस टाइम मुझे पता था, पता नहीं कैसा कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन जब मैं आया, मतलब मैथ में मुझे मज़ा ही आ गया। okay,
हेलो, मेरा नाम स्वर्णिमा सुमन है। मैंने 2 महीने पहले यहाँ पे राइट डायरेक्शन एकेडमी ज्वाइन की थी। यहाँ पे सर, यहाँ जो राइट डायरेक्शन में सर मैथ्स पढ़ाते हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट भी होते हैं, जो जिस बंदे का मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है 11th 12th में, इवन 9th 10th में भी अगर उसने अच्छे से नहीं किया है, वो यहाँ पे आएगा तो सर की गाइडेंस में वो बहुत अच्छे से कर पाएगा और वो रैंक भी ले लेगा। और सर की और एक यहाँ की एक और खास बात ये है कि अगर आपकी एक बार यहाँ पे कार्ड बन जाता है राइट डायरेक्शन एकेडमी का, तो आप लाइफ टाइम, मतलब इन द मीन्स कि जब तक आप सक्सेस नहीं अचीव कर लेते, जब तक आपकी एक रैंक नहीं आ जाती, तब तक आप आ सकते हैं, किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे जितनी बार आना चाहे आइए, करिए और अपना क्लियर करके जाइए। एक और स्पेशल बात यह है कि सर मोटिवेट भी करते हैं। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ यहाँ पे सॉल्व हो ही जाएगी। आइदर अगर आपकी किसी और भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सर आपको वो अप्रोच बता सकते हैं कि हाँ आप इस तरीके से पढ़िए, कैसे करके आप रैंक निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आइए और ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।